लास्ट में बतियाएंगे, थोड़ा सा बतिया भी लेंगे, लोड मत लीजिए। हाँ जी साहब, पहला मतलब जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सर आज हम बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में। क्या है ब्लड की स्टोरी, वो तो आपको समझानी ही है। पहले सेशन में मैं बता चुका हूं कि ब्लड को हम कनेक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं। मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, इन सबको ये जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में चाहे वो आपकी ग्लैंड्स अंतःस्रावी हो या बहिस्रावी हो, उनको किस प्रकार से ब्लड जो है वो कनेक्ट करने का कार्य करता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही यानी कि इससे पुराना वाला जो लेक्चर गया है उसमें बता चुका हूं। अब आज उससे आगे की बात है। साथियों जब हम ब्लड के बारे में जानने निकलते हैं तो हमें कुछ बातें पता चलती है। क्या पता चलती है कि ब्लड जो है वो कुछ जरूरी चीजों से मिलकर के बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है भाई? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर घटक, अगर कंपोनेंट की हम बात करें तो कंपोनेंट्स में सेल वाला कंपोनेंट और प्लाज्मा वाला कंपोनेंट, ये दो प्रकार की चीजें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए, है ना। दो चीजों में जो सबसे प्रमुख चीज है मेरे प्यारे साथियों वो है ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स के अंदर मेरे प्यारे साथियों प्रमुख रूप से जिनकी हम चर्चा करते हैं वो है रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स के बारे में भी हम अतिरिक्त रूप से चर्चा करेंगे आपके सामने, और उसके अतिरिक्त जो पार्ट है वो है प्लाज्मा, और एक और पार्ट है जिसका नाम है लिम्फ यानी कि लसीका। एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए जो जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि रक्त का जो अध्ययन किया जाता है उसे हिमेटोलॉजी कहते हैं, और एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त है उसकी मात्रा जो है वो 4.7 से लेके 5 लीटर के बीच में होती है। अच्छी बात है सर, कैसे पता? असल में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, 60 केजी के वजन का कोई व्यक्ति है, उसमें लगभग 13 से 15% के आसपास उसके वजन का क्या उपस्थित होता है, 15% नहीं, 8% के हिसाब से, हाँ 8% के आसपास जो है किसी व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर का, जी हाँ 8% के आसपास उस व्यक्ति के शरीर का उसके अंदर ब्लड उपस्थित होता है, ठीक है ना। एक बार मैं इस फिगर को और क्रॉस करके बता दूंगा, मुझे ये 13% क्यों याद आ रहा है आप ही बता दीजिए एक बार पोल करके। हाँ भाई 8% है कि 13% है, एक मिनट रुकिए, ए और बी, क्योंकि मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया हूं क्योंकि ये दो फिगर मेरे दिमाग में एक साथ आ गए हैं। बताइए किसी को पता है? 8 परसेंट है, 6 3 18 6 1 7, हाँ 8% है ना, ये फिगर है, मतलब ये 13% भी शब्द क्यों दिमाग में आया वो पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 8% है, 13% भी कुछ होता है, मैं मिस कर रहा हूँ, कोई नहीं, चलिए इसको एक बार और क्रॉस चेक कर देंगे, फिलहाल के लिए 8% के हिसाब से चलने दो। हाँ जी, तो बात ये है मेरे प्यारे साथियों कि रक्त सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और लसीका, इन सबसे मिलकर के आपका ब्लड सिस्टम बन के आता है। अब क्या है ये पूरा ब्लड सिस्टम, आइए एक एक करके बात करते हैं। बात ऐसी है सर, ब्लड के बारे में बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, जो नहीं पता है उनकी तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन जो पता है उनको भी दोहराव हम यहां पर करते चलेंगे। इनमें जो सबसे पहला किरदार जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, ठीक है सर। सर लाल रक्त कोशिका जो होती है इसका आकार बताया गया है कि ये बाइकोनकेव प्रकार की होती है। देखिए ये चीजें मैं पढ़ा केवल इसलिए रहा हूं कि खुद से भी आप पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, अदरवाइज मुझे ये सब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये वो चीज है जिसको मैं ये कह सकता हूं आप खुद से पढ़ लेना, आकृति बाइकोनकेव होती है, कैसे दिखती है, कितने चीजें होती है, कितने दिन जिंदा रहती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझाने जैसी बात नहीं है, और मैं क्लास में केवल समझाने वाले इशू ही लेता हूं, लेकिन फिर भी कि भाई ये चीजें जरूरी हैं इसलिए मैं चर्चा कर ले रहा हूं आप लोगों से। पहली चीज तो क्या है, बाइकॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से संरचना होती है इसकी, ठीक है बेटा, पहली बात तो हमको ये समझनी है। दूसरी बात क्या है, इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ये आयरन रिच प्रोटीन जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको अपने साथ रखती है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी चीज मिलती है, एक मिलता है हीम और दूसरा मिलता है ग्लोबिन। हीम, हीम जो होता है मेरे प्यारे साथियों सामान्यतया वो आयरन होता है और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन होता है, तो हीम और ग्लोबिन से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। मेरे प्यारे साथियों इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा इनके पास में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, ये कोशिकाएं हैं लेकिन केंद्रक की अनुपस्थिति है। नंबर एक, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है कि जैसे अपने हाथ की हड्डी है ना, हड्डी अंदर से थोड़ी खोखली होती है, आपका शरीर जब आप देखेंगे तो हड्डियां जो हैं वो अपने अंदर में से कुछ जगह बनी होती है, हड्डियों के अंदर मतलब एक तरीके से समझिएगा उनके बीच में स्थान होता है,
उस स्थान के अंदर इनका संग्रह होता है, वहां से इनका निर्माण होता है बोन मैरो के मध्य से। दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में जितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। इसके बारे में कहते हैं प्रति मतलब आरबीसी का काउंट के बारे में बताया गया है कि मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से 5.5 मिलियन आरबीसी उपस्थित होती हैं। लिस्ट मतलब ये लाइफ कितने दिन तक ये जिंदी रहती है, तो 120 दिन का इनका लाइफ टाइम होता है। और मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये जो शब्द लिखा हुआ है स्प्लिन, प्लीहा इसे आप कहते हैं, स्प्लिन में जाकर के ये मृत हो जाती है, यानी कि इनका ग्रेवयार्ड कहा जाता है जहां पर की आरबीसी जाके मरती है। स्प्लिन के बारे में मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि जो स्प्लिन है जहां पर ये आरबीसी जाके मरती हैं वहीं पर ये आरबीसी सुरक्षित भी रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गए और मर गए वहां जाकर के, है ना। कहते हैं कि अगर किसी के शरीर में अचानक चोट लग जाए तो चोट के समय पर अतिरिक्त मात्रा में जो ब्लड की आवश्यकता होती है उसके लिए भी, यानी कि इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहलाती है स्प्लिन। ये याद रखिएगा, कई बार ये इतना ही याद रख के जाते हैं कि यहां तो कोशिकाएं मरने जाती हैं तो ब्लड बैंक क्यों होगा। कहते हैं कि मरती जाए डायरेक्ट नहीं है जाकर के, इसके पास में स्टॉक भी रहता है आरबीसी का, ठीक है ना। तो ब्लड बैंक जो है बॉडी का वो भी स्प्लिन कहलाती है। यहां से आवश्यकता पड़ने के अंदर आरबीसी और ब्लड जो है पूरा के पूरा पैदा होकर के बाहर निकल के आता है, ठीक है ना। ग्रेवयार्ड तो कहलाता ही है, इसके अतिरिक्त ये बात अतिरिक्त रूप से याद रख लीजिएगा, ठीक है सर। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कार्य क्या है, मल्टीपल टाइम हमने चर्चा कर ली, फिर भी एक बार बता देता हूं। हीमोग्लोबिन अंदर उपस्थित है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ चल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने साथ में पहुंचता है फेफड़ों के पास में, फेफड़ों की एल्वियोलाई में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर के माध्यम से ऑक्सीजन को ये लेता है, यानी कहां से लेता है, आपके फेफड़ों में से लेता है और अपने साथ लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहां पर छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन का विनिमय करना और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ये जो काम करने वाला कार्य है ये कौन करता है, आरबीसी के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है सर। ठीक है सर, अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात निकल के आती है, वो क्या आती है सर, वो आती है ब्लड ग्रुप का निर्धारण। मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन की बात मैंने आपको बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात मैंने बता दी, हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दी, अब मैं यहां पर एक बहुत जरूरी बात आपको सिखा रहा हूं, कृपया करके उसे सीखें। क्या बात है बेटा, जो आरबीसी होती है ना, ये मान लीजिए आरबीसी की कोशिका है ना, आरबीसी के ऊपर आपका ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। बोले इसका क्या मतलब हुआ भाई, कई बार आप सुनते हो ना कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इस प्रकार से अपन बात सुनते हैं, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों असल में क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो इन्हीं के ऊपर लगे हुए, मैं आपको डायरेक्ट एक बार वहां लेके चल रहा हूं ताकि आप चीजें रिलेट कर ले। आइए देखिए, एक टेबल है मेरे पास में, फोटो लाया हूं कि नहीं लाया, ये रहा, देखिए भाई मेरे प्यारे साथियों असल में क्या होता है, इधर की तरफ देखें, ये जो ब्लड, ये आरबीसी है आपके सामने, ठीक है बेटा। इस आरबीसी के ऊपर देखिए यहां पर कुछ संरचनाएं लगी हुई हैं, ऐसे समझिए जैसे मोबाइल टावर लगे हुए हैं, आरबीसी की कोशिका है उसके ऊपर टावर जैसी संरचना लगी हुई है, ठीक है बेटा। आरबीसी की स्किन पर लगी हुई इन टावर सदृश संरचनाओं को हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटीजन कहते हैं। यहीं से चीजें याद करते चलिए ताकि ब्लड ग्रुप यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो दोबारा सुनिए, आरबीसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी स्किन पर लगा हुआ, यानी कि आरबीसी की जो चारों तरफ की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ संरचनाएं चिपकी हुई रहती हैं, कुछ दाने जैसी संरचनाएं आरबीसी सेल की बाउंड्री पर चिपकी रहती हैं, उनके आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। यदि उस पर ए एंटीजन चिपका हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाता है, अगर वहां पर बी एंटीजन चिपका हुआ है, यानी कि यहां पर एक अलग प्रकार का, अब आप पूछेंगे सर फिर ये बताइए किसने इसका नाम बी रखा, किसने इसका नाम ए रखा, मैंने कहा इस पर मत पड़िए, आप जिन लोगों का नाम जानते हैं जिन्होंने इनको खोजा था उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों लैंड स्टीनर, उन्होंने इनके अंदर इन चीजों की जानकारी दी थी, लेकिन आपको जो ये बातें पता होनी चाहिए उनमें लोड मत लीजिए इस बात का कि किसने खोजा, मतलब इसका नाम ए रखा क्यों गया, बी रखा क्यों गया, बस इतना समझ लीजिए कि इनके ऊपर एंटीजन सदृश संरचना, मैं इसकी बहुत डिटेल में घुस जाऊंगा, लोड मत लीजिए, लेकिन उतना ही जरूरी रहेगा जितना पेपर में आएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं, ठीक है सर। ए और बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ,
उसकी आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन लगे होते हैं। दोनों प्रकार का बोले तो मतलब बी प्रकार का एंटीजन भी लगा होता है, ए प्रकार का एंटीजन भी। तो दो प्रकार के एंटीजन अगर आरबीसी पर लग रहे हो तो ये ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है और ग्रुप ओ कहलाता है यदि आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन ना लग रहा हो। मुद्दे को पकड़िएगा, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी, आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी, और आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। बोलिए, पहले तो आपको आरबीसी समझ में आ गई, आरबीसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे हुआ ये समझ में आया? अगर आया हो तो थम्स अप करिएगा, आपको अगर बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं सिखाता हूं, यहीं से समझ लीजिए ताकि आगे की दिक्कत खत्म। बेटा इसी प्रकार से एक एंटीजन और होता है, उसका नाम है आर एच एंटीजन। ध्यान से समझिएगा, यहीं से सारी बातें एक बार में ही खत्म कर देते हैं हम। एक एंटीजन और है, उसका नाम है आर एच एंटीजन। समझिए कि वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, मैं आपको संरचना बना दे रहा हूं। मान लीजिए कि वो जैसे अपन ने यहां दिखाया ना मोबाइल टावर, यहां लग रहा है कोई लॉलीपॉप है, आइसक्रीम जैसी संरचना है ना, यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे नेटवर्क आता है मोबाइल में, ऐसी संरचना है, दिखाने का तरीका है ये। अब मान लीजिएगा कि मैं आपके सामने चाय पी के दिखा रहा हूं, है ना। नहीं तो भाई बात ये, मान लीजिए कि ये वाली जो सेल है इसके बाहर इस प्रकार से एक और एंटीजन चिपका हुआ है, ये रहा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाहर जो है ये इस प्रकार से चिपका हुआ है एक एंटीजन, ठीक है। आरबीसी में, अब ध्यान से समझना, यहां पर एक बहुत ही प्यारी चीज सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिएगा ये आरबीसी थी, है ना बेटा। अब एक बार को ध्यान से समझना, इस आरबीसी के ऊपर ये टावर लगा हुआ था। टावर का क्या मतलब हुआ बेटा, ये ए ब्लड ग्रुप है ना, ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया, ठीक है सर। बेटा ये दो प्रकार का हो सकता है, कौन? ए ब्लड ग्रुप वाला आरबीसी। दोबारा समझना बेटा, आरबीसी कौन से वाली? ए ब्लड ग्रुप वाली, है ना। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके ऊपर हुआ? आरबीसी के ऊपर हुआ बेटा, है ना। इसके ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है तो आपने ए कहा। मैंने आपके सामने दो संरचनाएं बना दी, देखना बेटा एक बार, एक संरचना और ये संरचना, ये मैंने आपके सामने दो स्ट्रक्चर, यानी कि ये टावर दो भागों में और बांट दिए। अब मैंने क्या कहा, एक ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर एक ऐसा एंटीजन और चिपका हुआ है जिसकी ये वाली ड्रॉइंग है। दोबारा सुनिए, एक ऐसी आरबीसी जिसके पास में एक एंटीजन और चिपका हुआ है जिसके ऊपर क्या ड्रॉइंग बनी हुई है? प्लस किसी ड्रॉइंग बनी हुई है, जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो प्लस का सा निशान है ना, इसका नाम है आर एच एंटीजन। क्या नाम है बेटा इसका? आर एच एंटीजन, ठीक है ना। अगर ये वाला भी उपस्थित है आरबीसी के पास में तो इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ए प्लस। तो ए प्लस नाम कैसे आया? तो बस इतना सा समझ लीजिए, यदि किसी आरबीसी के पास में अपना एंटीजन होने के अलावा आर एच एंटीजन भी है तो उसे हम ए प्लस कहते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? थम्स अप करिए जरा, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इसके पास में आर एच एंटीजन नहीं है, दोबारा सुनना, अगर इसके पास में आर एच एंटीजन नहीं है, केवल ए एंटीजन जुड़ा हुआ है, तो बेटा इसे कहते हैं हम ए माइनस। बोलो भाई बात समझ में आई हो तो थम्स अप करिए कि भाई अगर इसके पास आर एच नहीं है तो इसका नाम क्या हो गया? ए माइनस। तो आगे से हम लोग ब्लड ग्रुप जो ए पढ़ रहे थे, अब वो दो प्रकार का बन चुका है, ए प्लस बन चुका है, ए माइनस बन चुका है। है आसान? बहुत आसान है। ऐसे ही बेटा आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ था, तो आरबीसी का ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ था। अब मान लीजिए लॉलीपॉप ले आए हम, ये वाली है ना, चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये कोई आरबीसी की सेल है और इस आरबीसी की सेल के ऊपर इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों क्या लगा हुआ है आपके सामने? वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको आप, मतलब एक एंटीजन लगा हुआ है। इस एंटीजन का नाम है एंटीजन बी लगा हुआ है ना बेटा, एंटीजन बी लगा हुआ है। तो ये क्या नाम हो गया इसका? बी ब्लड ग्रुप नाम हो गया, बी ब्लड ग्रुप नाम हो गया, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अब मैं आगे चला और मैंने आपसे ये कह दिया बेटा
कि इसके ऊपर जो है ये बी ब्लड ग्रुप तो लगा हुआ ही है, इसके अलावा प्लस और लग गया, है कि नहीं? अच्छा, और यहां पर भी देखिए, यहां पर मैंने एक टाइप और क्या बना दिया कि इसके ऊपर एक तो ये लगा हुआ है ही, लेकिन इसके ऊपर प्लस नहीं लगा हुआ है। तो बेटा अगर ये प्लस यानी कि आरएच एंटीजन लगा हुआ है तो इसे हमने कहा बी पॉजिटिव। बोलिए, समझ में आया? इसको हमने क्या कहा? बी पॉजिटिव। और इसको हमने नाम क्या दिया? बी नेगेटिव। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जिस प्रकार से बी पॉजिटिव का निर्धारण किया उसी प्रकार से तो ए पॉजिटिव का किया था। हो गई बात समझ में? आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए ओ के ऊपर भी आरएच हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ओ के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं था, एक भी एंटीजन नहीं था, इसलिए इसको जीरो के समान समझा गया। असल में ये जीरो कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप ऐसे याद कर लो कि ओ का मतलब है जीरो, जीरो का मतलब है कोई है ही नहीं। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं यस और नो में कि ओ के ऊपर भी आरएच हो सकता है या नहीं। यस और नो में आंसर दीजिएगा। ओ के ऊपर भी आरएच जो एंटीजन है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं आपके देखिए अंदर तक के डाउट को समझ गया था। मैंने कहा दिक्कत होगी विद्यार्थियों को ये बात समझने में। 31% ने लिखा नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, ये कोई आरएच एंटीजन जो है वो ये सोच के थोड़ी आया है कि जिसके पास ए होगा मैं उसी के पास जाऊंगा, जिसके पास बी होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। भाई ये अपने आप में एक अलग एंटीजन है, ये ओ वाले के पास भी हो सकता है। अर्थात ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है जिसके पास में ए और बी एंटीजन नहीं है, ये उसके पास भी हो सकता है। दोबारा सुनिए, किसके पास हो सकता है? ओ वाले ब्लड ग्रुप के पास भी हो सकता है जिसके पास में ए और बी एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन ना होने के बावजूद भी आरएच हो सकता है, इसका मतलब ओ कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का, एक ओ प्लस और एक ओ माइनस। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? थम सब करो, बात समझ में आ गई? तो ब्लड ग्रुप ओ प्लस और ओ माइनस भी हो सकता है। हाँ, अब बढ़िया सवाल है। इसके पास ऑलरेडी दो दो एंटीजन लगे हुए हैं, कौन कौन से? ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो मेरा सवाल यह है कि इसके पास ऑलरेडी दो लगे हुए हैं तो इसके पास आरएच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह बता दीजिए। इसके पास आरएच एंटीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 17% लोग जो है वो बहुत ज्यादा सीधे हैं, यानी बच्चे हैं, उनको मैंने जैसे फंसाना चाहा वो फंस गए, है ना? ना ना, 21% लोग सीधे हैं। जब सीधा बोला तो 21% लोगों ने अपने ऊपर सीधे का तमगा स्वीकार कर लिया है बेटा। अरे भाई फिर से समझिए, कंफ्यूज मत रहिए। 22% सीधे लोग हो गए हैं। भाई बात ऐसी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो एंटीजन है तो क्या फर्क पड़ गया भाई? एक एंटीजन और टिक सकता है इसके ऊपर, अर्थात ए बी वाला जिसके पास दो एंटीजन ऑलरेडी है उसके ऊपर भी एक और एंटीजन आ सकता है, अर्थात ए बी भी प्लस हो सकता है और ए बी भी माइनस हो सकता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुल मिलाकर के ब्लड ग्रुप चार होते हैं कि आठ होते हैं? तो आंसर आया आठ होते हैं। समझ गए? अगर कोई ये पूछे सर हमारे मन में सर एक डाउट है, बोले हाँ बताओ भाई क्या डाउट है? सर कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई इसका ब्लड ग्रुप बी है तो भैया इसका क्या मतलब निकालें सर? मैंने कहा इसका मतलब निकालना कि उसको पता ही नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। अगर कोई कहे कि सर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो उससे कहिएगा प्रभु आप अभी अनभिज्ञ हैं, आपको नॉलेज थोड़ा कम है, आपको नहीं पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। बी ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले भाई जब तक बी ब्लड ग्रुप था तब तक 1940 तक की बात थी वो, आप उसके बाद पैदा हुए हैं। बोले मतलब? बोले आप पैदा हुए हैं वीनर के टाइम पर, जब वीनर ने 1940 में खोज करके बता दिया था कि आरएच फैक्टर भी होता है। आप उस समय की पैदावार हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप उस समय की पैदावार हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है। हाँ भाई बोलिए, जरा समझ में आ गया क्या? यानी कि आपको एंटीजन? बोले नहीं मैं तो केवल बी से काम चला लूंगा। भाई तुम तो चला लोगे यार, लेकिन पॉइंट ये है आरएच नहीं चलाएगा ना। बोले क्या फर्क पड़ रहा है सर, हम तो थोड़े कम में जी लेंगे सर, हम बिना आरएच वाले रह लेंगे सर। भाई गजब बात है यार, तुम्हारे चाहने से थोड़ी हुआ है कि तुम्हारे ऊपर आरएच रहे कि ना रहे। बोले सर क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से,
मैं कहा भाई बात ऐसी है कि अगर मामला गड़बड़ हो गया ना, जिसके ऊपर है, जिसके जिसके ऊपर नहीं है, जिनके ऊपर है, जिनके ऊपर है, इन लोगों को आपस में मिला दिया ना, तो मर मरा जाओगे यार। बोले क्या मतलब है इसका? मैंने कहा मान लो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, अब इस ए वाले के ऊपर बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया ना, निकल लोगे यार, बचोगे नहीं। अच्छा, बोले ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा इसके पीछे, मैंने कहा यार मत पूछो, बहुत बड़ा बवाल है। बोले क्या बवाल है? हमने कहा जैसे वो नहीं होता है ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग की स्टोरी है, यहाँ पे प्रॉपर वाली ऑनर किलिंग स्टोरी है। अब आप सुनकर के साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अपने घरों में जैसा होता है वैसा ऑनर किलिंग है यहाँ पे साहब। अब आप कहेंगे गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी और आप सामाजिक मुद्दों पे चले गए, ऑनर किलिंग सुना ही सुना था, ऐसा भी होता है क्या? मैं कहा बिल्कुल होता है भाई साहब, यह ऑनर किलिंग है। और ये ऑनर किलिंग पहले मैं आप लोगों को पहले ब्लड ग्रुप में समझा देता हूँ, फिर आरएच प्लस पर लेकर प्लस माइनस पे चला जाऊंगा। फिलहाल के लिए ऑनर किलिंग को इन चार पे समझ के देख लो, ए बी और ए बी ओ पर, है ना, इन ब्लड ग्रुपों पर समझ के देख लो, बाकी बात तो बाद में कर लेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा चलिए सर अब आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं और वो है ऑनर किलिंग स्टोरी। कैसे सर? ऑनर किलिंग कईयों को पता ही नहीं है गुरुजी क्या होता है ऑनर किलिंग, जरा बताओ ना। ऑनर किलिंग का मतलब होता है सर कि कई बार बच्चे बच्ची जो हैं वो एक दूसरे की रजामंदी के साथ में, भाई बच्चे बच्ची तो राजी हो गए और माँ बाप उनके राजी नहीं है, माँ बाप जो है वो या समाज जो है या फिर पंचायत जो है जो उनकी शादी से राजी नहीं है, वो उनमें से एक ना एक को निकलवा देती है, मरवा देती है। ऐसा बहुत होता है साहब, अपने समाज में भी काफी जगह पर ये चीज व्याप्त है, एक कुरूति है जो कि बच्चों के विरुद्ध जाकर के कार्य करती है और इसमें अपनी आन बान शान के लिए ये लोग दूसरे को मरवा देते हैं, जिससे शादी की या तो उसको मरवा देते हैं या पूरे कपल को मरवा देते हैं। किसके लिए? अपनी आन बान शान के लिए। आइए सर तो अब इनकी आन बान शान की चर्चा करते हैं, उम्मीद है सभी लोग तैयार होंगे ऑनर किलिंग के बारे में जानने के लिए, कैसे होती है ऑनर किलिंग, आइए बताते हैं। तैयार हो सब लोग? जोर से थम्स अप कर दो एक बार, शाबाश। देखो बेटा क्या होता है, बात क्या थी मेरे प्यारे साथियों कि ग्रुप था ए, ए ग्रुप था और इस ए ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे घर के अंदर एंटीजन बैठे हुए थे, ये आरबीसी थी, ये आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन के लोग बैठे हुए थे। अब क्या होता है ना जी कि घर में शादी लायक बच्ची है, मान लीजिए कि ये शादी लायक बच्ची है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब ये जो बच्ची है इसके बाबा जो हैं घर के अंदर, बाबा बैठे हैं इसके, और बाबा कह के रखे हुए हैं, घर के जो बाबा हैं वो कह के रखे हुए हैं कि देखो बेटा शादी करना तो अपनी ही जात में करना और आन जात में शादी मत कर लेना है, मतलब दूसरी जात में दूसरी कम्युनिटी में शादी नहीं करोगी, अगर करोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्ची ने कहा, बोले बाबा मैंने तो शादी करी ही नहीं, अभी तो मैं बड़ी हुई हूं, आपने ये बात क्यों बोली? बोले ना ना मुझको पता है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, तू जिस दिन पैदा हुई थी ना उस दिन मैंने सोच लिया था, क्या सोच लिया था, कि मैं तेरी शादी जो है ना वो बेटा बी वालों से नहीं करवाऊंगा। बोले पिताजी ऐसी बात, बाबा ऐसे क्यों बात बोल रहे हो? बोले देख देख बात ऐसी है, अपने ना दो ही जातियां हैं यहाँ पे, अपने गांव में केवल दो ही जाति हैं। कौन कौन सी जाति है? या तो ए जाति है या बी जाति है। अब ए जाति जो है वो बी जाति वालों से शादी नहीं करेगी, ये हमने पहले डिसाइड कर रखा है, अपने आना जाना नहीं है, अगर तूने ऐसा किया तो मार डालेंगे। बोले ठीक है सर। अब क्या होता है कि ये जो बाबा हैं जिस दिन ए पैदा हुआ था, यानी कि ये जो बच्ची थी ये पैदा हुई थी ए जात में, उसी दिन से इसके बाबा मूड बना के बैठे हुए हैं, किस बात का, कि बेटा अगर तुम दूसरी जात वाले आ गए तो तुम्हारा तो हम खून कर देंगे। ये कौन सोच के बैठे हुए हैं? बाबा। ये बाबा रहते कहां हैं? सर ये रहते हैं प्लाज्मा में। अब समझते हैं ये क्या भगदड़ है भाई साहब। बात ऐसी है जनाब कि आपके ब्लड में 45% तो रक्त कोशिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर, ये आपकी प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स का बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब 45% है। 55% मामला जो है ना आपके ब्लड में भाई साहब, वो कौन का है? वो 55% मामला प्लाज्मा का है। उस प्लाज्मा में यानी कि बाबा लोग कहाँ रहते हैं? घर के अगायते में रहते हैं, घर के आगे रहते हैं, सामने मतलब जहां अपने बैठकें होती हैं, जहां उनके रूम अलग ही होते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये बाहर प्लाज्मा में है, लेकिन बाहर प्लाज्मा का मतलब ये नहीं है कि आरबीसी सब एक साथ घूम रही है, प्लाज्मा कहीं बहरा है, ऐसा नहीं है। जो ब्लड आप देखते हो ना उस ब्लड का ही कंपोजिशन बता रहा हूं। मान लो कि ये ब्लड है आपका, इसमें बीकर में ब्लड भरा हुआ है, इसमें 45% तो कोशिकाएं हैं, 55% प्लाज्मा है, ये दोनों का मिक्सचर है, प्लाज्मा अकेला नहीं घूमता है भाई, दोनों का मिक्सचर है। बोले अच्छी बात है सर। अब क्या हुआ, ये जो बाबा यहां बैठे हुए हैं जो कि ये मन बना चुके हैं, हाँ भाई मुझे चैट खोलना पड़ेगा क्योंकि कईयों की भावनाएं निकल के आएंगी, कईयों को लगेगा गुरुजी मन किसी बात बता रहे हो, हाँ भाई
चैट खोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि कईयों की मन की भावना निकल, गुरु जी हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ तरीका बताओ ना। गुरु जी भी खुद का नहीं बता पाए तो तुम्हारा क्या बताएंगे हैं। तो अब क्या हुआ साहब कि यहां पर एंटी बी के चक्कर में बाबा यहां बैठे हुए हैं। अब क्या होता है सर, ग्रुप बी के पास चलिए सर। अब ग्रुप बी की बात बताते हैं। ऐसे ही सर गांव के जो बी मुखिया हैं, बी जाति वाले लोग हैं, उनके घर में भी बच्ची थी। वो ये पहले से ही डिसाइड कर रखे थे कि भैया शादी करेंगे तो उस आदमी से करेंगे जिसके पास में बी ब्लड ग्रुप का ही यानी बी जाति का ही लड़का होगा। बोले अच्छी बात है सर। तो बोले ये वाली जो चीज है सर, ये जो इनके घर की बच्ची है, इनके घर में पहले से ही किसके खिलाफ माहौल बना हुआ है? ए वालों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। असल में इनको दिक्कत किस चीज से है? इनको दिक्कत है एंटीजन से। दोबारा सुन लीजिएगा, मैं अगर बात बोल रहा हूं कि ये एंटी बी है, एंटी बी का मतलब क्या हुआ कि ये बी एंटीजन के खिलाफ है इनका बाबा। भाई आफ्टर ऑल ए और बी है क्या? एंटीजन ही तो है। तो यानी कि ये जो लोग हैं, बाबा लोग जो हैं, ये एंटीजनों के खिलाफ हैं। और बाबा लोगों को हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी हैं जो कि एंटीजन की खिलाफत करते हैं। बोले अच्छा सर। बोले सर इसकी क्या कहानी है? मैंने कहा भाई इसकी कहानी भी सुन लो। ये एंटी ए है यानी कि इसके जो बाबा हैं वो ग्रुप ए के खिलाफत करके बैठे हुए हैं, उनके साथ नहीं जुड़ना है। बोले ओके हो गई सर बात सारी। बोले इसका मतलब सर सीधा सा निकल के ये आया, अब इस पॉइंट को मैं जो लिख रहा हूं इसे याद रखना, अंत तक काम आएगा। क्या लिख रहा हूं इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। एंटीबॉडी, ध्यान से सुनना, एंटीबॉडी एंटीजन की खिलाफत करता है, कि खिलाफत करता है। अच्छा सर किसकी करता है? अब देखना ध्यान से इस बात को समझना। मान लीजिए इसके पास ग्रुप ए है तो इसके पास जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि जो एंटीबॉडी है वो बी की खिलाफत करने वाला होगा। तो बी की खिलाफत करने वाला एंटीबॉडी बी एंटीजन की खिलाफत करेगा। अब एक बार के लिए हम ये पकड़ के चलते हैं कि सर मान लो बाई चांस ऐसा हुआ कि क्या हुआ, बोले ये जो ए वाले हैं ना, लड़की वाले जो हैं, इनके घर में बी ब्लड ग्रुप का यानी कि बी एंटीजन वाला लड़का ब्याहने आ गया। हमने कहा अच्छा। बोले सर मान लीजिए कि ये आदमी जो है इनके घर में शादी करने आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो सर होगा क्या? मैंने कहा बेटा पता है क्या होगा? बोले हाँ। मैंने कहा ये जो बाबा लोग हैं ना, जो 55% हैं, अगर तुम्हारे अंदर 10 लीटर खून है तो 5.5 लीटर बाबा लोग हैं। ये 5.5 लीटर बाबा लोग जो हैं, वो जो 300 ml तुम्हारे अंदर खून चढ़ा रहे हैं ना, उसका खून करने के लिए उसके साथ चिपक जाएंगे, एकदम गुत्थम गुत्थी कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही कसम खा रखी है कि हम एंटीजन के साथ नहीं रहेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? इनकी ये जो गुत्थम गुत्थी होती है ना भाई साहब, इसे ही हम एग्लोमरेशन कहते हैं। ये कोगुलेट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं और ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, और जब ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और आदमी निकल लेता है। तो जो भी आपके ब्लड में जब कोई अलग जाति का ब्लड चढ़ जाए, यानी कि अगर किसी के ए ब्लड ग्रुप वाले के बी ब्लड ग्रुप वाला आपने चढ़ा दिया, तो उसके शरीर में बैठा हुआ मेरे प्यारे साथियों जो एंटीजन बी है, वो एंटीबॉडी बी है, वो एंटीजन ए के खिलाफ चिपक जाएगा। ऐसे ही अगर बी ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड ग्रुप ए वाला चिपका दिया आपने, मान लीजिए ये इधर चढ़ा दिया, तो भाई 10 लीटर खून है मान लीजिए, मैं मेरी बात करूंगी, 10 लीटर खून है मान लीजिए, तो 10 लीटर खून में से भाई साहब 5.5 लीटर जो है ना, वो इस ग्रुप बी का जो मेरे पास एंटीजन चल के आएगा 300 ml के आसपास, उसके खिलाफ चिपक जाएगा और उसको फांस देगा। कहने का मतलब ये हुआ, बोले सर ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि ब्लड ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। बोले अच्छी बात है सर। अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है सर। क्या है स्टोरी? सर पैदाइशी मामला ऐसा हुआ कि जब आपने देखा कि घर में बाबा लोग हैं ही नहीं, बोले इसका क्या मतलब हुआ? बाबा मर लिए। बोले बाबा क्यों मर लिए सर? क्योंकि साहब आपके मां बाप जो थे ना, वो ही इंटरकास्ट मैरिज कर रखे थे। दोबारा सुनिए, इंटरकास्ट मैरिज, अभी मैं चल रहा हूं लेमैन तरीके से समझना इस बात को। आपके पेरेंट्स ही जो थे वो ए और बी थे, यानी कि ए जाति और बी जाति के थे। अब आप इस इतिहास में मत चले जाना कि पेरेंट्स कैसे बने होंगे, ये मैं स्टोरी समझा रहा हूं, इसके साथ में यथार्थ मत जोड़ लेना चीजों को, ठीक है ना। उदाहरण दे रहे हैं कि भाई अगर किसी घर में ए और बी वाले ही लोग रहते हैं, दोनों ही साथ रहते हैं, तो भाई ये फिर विरोध किसका करेंगे?
एक बात बताओ, समाज में दो ही तो जातियां थी, एक ए जाति थी एक बी जाति थी, दोनों जातियां मिलजुल करके घर में रह रही हैं, तो विरोध किसका होगा? किसी का भी विरोध नहीं होगा। तो भैया इनके बाबा गए मर, यानी इनके पास में एंटीबॉडी नहीं है। अरे बोलो, थम्सअप करो, ये बात समझ में आई क्या? इनके पास में एंटीबॉडी नहीं है। जिनके पास दोनों एंटीजन है उनके पास में एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है इसका मतलब इनके पास किसी का भी विरोध करने के लिए जुगाड़ नहीं है। मतलब जिसको चाहे अपनी बच्ची ब्याहे, जिसको चाहे अपना बच्चा ब्याहे। मतलब क्या है, इन ए बी वालों के अगर कोई ए वाला रिश्ता लेके आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला रिश्ता लेके आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके पास खुद के बच्चे भी नहीं है फिर भी वो रिश्ता लेके चला आ रहा है, बाप खुद ही चले आए हम भी ब्याहेंगे हम भी ब्याहेंगे टाइप से आ गए, उनसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि विरोध करने के लिए फौज ही खड़ी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ जनाब कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास विरोधी होते ही नहीं है, एंटीबॉडी होते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने साथ में बी ब्लड ग्रुप को, ए ब्लड ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को, सबको एंट्री दे सकता है। सर्वधर्म संभाव है, हिंदुस्तान है ये। अरे बोलिए, तब सब करिए, बात समझ में आया हो तो। इतना बात समझ में आई, अभी प्लस माइनस में भी चलेंगे, रुक जाइए फिलहाल के लिए, इतनी बात बताइए। आगे बात समझ में, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर अब चलते हैं ओ वाले के पास में। ओ वाले के पास में क्या हुआ, सब गांव का जो सबसे घाघ आदमी होता है ना, गांव में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो वही होता है जिसके खुद के बच्चे नहीं होते हैं, है ना, जिसके खुद के घर में शादी लायक कोई काम नहीं है, जिसके घर में खुद के बच्चे सब समय से प्री हो गए, वो सबसे बड़ा पंच होता है गांव का। सबके काम में टांग अड़ाने की जिम्मेदारी जो है ना वो उसी के पास है। मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना, 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 नरेश उसकी बात नहीं कर रहे अपन, अपन बात उसकी कर रहे हैं जो आदमी ऐसा होता है गांव में। भाई मान लो कहीं अपने गांव में ऐसे लोग नहीं होते, भाई इनके घर का सारा काम निमट लिया, भाई बच्चे ब्याह लिए, बच्चियां हो गई, मतलब सब हो गया इनका, ये सब फ्री है एकदम तरीके से, ऐसे समझ लो। या